नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 रानी की समाधि पर। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह काव्यांश झांसी की रानी की देशभक्ति और बलिदान की अमर गाथा कहती है। इसके माध्यम से कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, देशभक्ति आदि का वर्णन करते हुए उनकी समाधि के प्रति आदर भाव प्रकट किया है। आइए चलते हैं पाठ की ओर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री कहती हैं कि इस समाधि में एक दिव्य राख का ढेर छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को जलाकर स्वतंत्रता रूपी देवी की आरती की है। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे कहती हैं कि यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी की है, जो कि उनका अंतिम कार्यस्थल रहा है। उस रानी ने अपने को जलाकर स्वतंत्रता की देवी की आरती की और यही स्थान उसके अंतिम कार्यस्थल का क्षेत्र रहा है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। यहीं कहीं पर वह मोतियों की माला के समान बिखर गई थी, उसके फूल अर्थात उसकी अस्थियों के बचे हुए चिन्ह आज भी यहाँ स्मृतियों के रूप में संकलित हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आगे कहती हैं कि उस मर्दानी ने, उस लक्ष्मीबाई ने वार पर वार सहे, अंत तक वह एक वीर बाला के समान लड़ती रही और अंत में वह आहुत के समान गिर पड़ी। जैसे ही ज्वाला में गिरी, ज्वालाओं में एक चमक पैदा हुई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थात जब वीर रणभूमि में शहीद होता है, बलिदान होता है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार जैसे कि सोना तो मूल्यवान होता है, किंतु सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवान मानी जाती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कहती है कवित्री कि रानी तो हमें प्रिय थी ही, लेकिन उसकी यह समाधि अब हमें उस रानी से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी हुई है। उस वीर बाला का अंतिम कार्यस्थल है यह, और इसमें उसकी आशा रूपी उसका बलिदान छिपा हुआ है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कहती हैं कवित्री कि ऐसा नहीं है कि इस समाधि से सुंदर समाधियां धरती पर नहीं हैं, किंतु उन समस्त समाधियों पर रात्रि के अंधकार में केवल क्षुद्र कीड़े मकोड़े ही गीत गाया करते हैं, क्योंकि उनकी कोई वीर गाथा नहीं है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर वीर गाथाओं से उनका स्वागत होता है। जो वीर हैं वो उनकी गाथाओं का गान करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। आगे कहती हैं कि लेकिन कवियों की अमर वाणी में इस झांसी की रानी की अमिट कहानी आज भी जीवित है। स्नेह और श्रद्धा से लोग उसकी वीर गाथाएं गाते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी।
हमने बुंदेलों के मुख से ये कहानी सुनी है कि वो झांसी वाली रानी मर्दानी थी, पुरुषों की भांति उसमें साहस था और उसने झांसी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम पंक्तियों में वे कहती हैं, ये समाधि यह पुरानी चिरकालीन समाधि है, बहुत समय से है झांसी की रानी की समाधि है और यही उस झांसी की रानी की, उस मर्दानी की, उस वीर बाला की अंतिम लीला स्थली है, अंतिम कार्यस्थल है जहां पर उसने अपने जीवन को नया रूप दिया था, वीर गाथाओं में अपना नाम अंकित किया था और वीरों की श्रृंखला में श्रेष्ठ हो गई थी। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। दिव्य, अलौकिक, लीला स्थली, कर्म का स्थान, निशीथ, रात, क्षुद्र, तुक्ष। इसी के साथ धन्यवाद।